नियमों की धज्जियां उड़ाने में सरकारी अफसरों से बढ़कर शायद कोई नहीं है। कई बार तो अफसर शाह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अनदेखी करने से नहीं चूकते। सिरोही से ऐसी ही एक खबर। धमाकों से दहल रहे पहाड़, ब्लास्ट से छलनी हो रहा पहाड़ों का सीना। सेंसिटिव जोन का वायलेशन हो रहा है और प्रशासन इस तरह से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ताक पर नियम, कागज पर कानून। सुप्रीम कोर्ट पर भारी सिरोही की अफसरशाही। इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस हैं जिन्होंने उसमें बिल्कुल ऑर्डर्स दे रखे हैं कि सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स में किसी प्रकार की कोई भी माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। पहाड़ की शांत वादियां धमाकों से गूंज रही हैं। पलक झपकते ही सिर उठाकर खड़े पहाड़ जमींदोज हो रहे हैं। पहाड़ों को हिला के रख देने वाले ये धमाके लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर रहे हैं। कुदरत के कानून सरकार के निजाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। माउंट आबू में इको सेंसिटिव जोन को किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है इसकी एक बांधी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ माउंट आबू में दिन और रात ब्लास्टिंग की जा रही है और रुडीप के जो प्रोजेक्ट को लेकर जो ब्लास्टिंग हो रही है वो कोई एक जगह नहीं है, ये करीब दर्जनों जगह है जहाँ पर ब्लास्टिंग व ड्रिलिंग की जगह या माउंट आबू के इको सेंसिटिव जोन के नियमों की धज्जियां उड़ रही है। माउंट आबू 2009 में इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ, लेकिन सिरोही की अफसरशाही सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है। आगे की कहानी आरटीआई एक्टिविस्ट महेंद्र दान की जुबानी। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके एक गवर्नमेंट सबमिटेड बॉडी है जो कि माउंट आबू में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम कर रही है और जब हमने इसकी कंट्रोल ब्लास्टिंग की या जिन्होंने जब वो ब्लास्टिंग कर रहे थे तो हमने इनसे पूछा कि आपके पास में किसी प्रकार की कोई परमिशन है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में इस तरह की कोई परमिशन उपलब्ध। आरटीआई एक्टिविस्ट महेंद्र दान का आरोप है कि जिला कलेक्टर सुरेंद्र कुमार सोलंकी ने नियमों को ताक पर रखकर सीवरेज कंपनी के ठेकेदार को इको सेंसिटिव जोन में ब्लास्ट की इजाजत दी, जबकि एक आरटीआई में वन विभाग ने एनओसी नहीं देने की बात कही है। कंट्रोल ब्लास्टिंग की परमिशन जारी करते हैं लेकिन डेप्यूटी फॉरेस्ट कंजर्वेटर पास में मैं जाता हूं तो वो कहते हैं कि मुझे हमने कलेक्टर साहब की अनापत्ति पर हमने कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं जारी किया है, जबकि उसमें कलेक्टर डेप्यूटी फॉरेस्ट कंजर्वेटर का नाम। धमाकों ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है, माउंट आबू का इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ा दिया है, लेकिन जब एनजीटी में इसकी शिकायत की गई तो डीएफओ साहब धमाके पर गोलमोल जवाब देते नजर आए। सर एक बाइट लेनी थी आपकी। सर माउंट आबू में जो ब्लास्टिंग चल रही है ये माउंट आबू में 3-4 जगह सीवरेज प्रोजेक्ट को लेकर। हाँ सर आप ऑफिस पधारिए, सुबह से वेट कर रहे हैं। ऑफिस पधारिए बॉस, बताते हैं। यस बॉस वेरीफाई करिए, हम आपको बता देते हैं। विजुअल्स भी है हमारे पास और आप अगर साथ चलना चाहे तो मौके पर भी चल जाए। उठाने की भी जहमत नहीं की। जाहिर है जब धमाके होंगे तो गूंज
कलेक्टर ने जिस तरीके से ब्लास्टिंग को लेकर परमिशन जारी की है वो सही है या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग? शरद टाक, न्यूज 18 राजस्थान, सिरोही। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जरूर देखिए।